आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मोदी सरकार द्वारा आमजन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष देवीशंकर बुतड़ा, सांसद भागीरथ चौधरी, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, भाजपा प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया, जिला महामंत्री जीतमल प्रजापत, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री सरिता गैना, मीडिया संयोजक शक्ति सिंह राठौर और सह संयोजक लक्ष्य जैन उपस्थित रहे। तो पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर अजमेर भाजपा देहात द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब को गणेश मानकर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जिसके कारण अनेक लोगों को उसका फायदा मिला। वहीं भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर बुतड़ा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में जनता त्राईमाम त्राईमाम कर रही है। पानी बिजली की समस्याओं के साथ साथ राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़े हैं। समस्याओं को लेकर 7 जून को भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया, सरिता गैना सहित भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल में नव भारत की जो आधारशिला रखी है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार जिसके 3.5 साल के कारण से आम जन त्राहिमान त्राहिमान कर रहा है, न तो पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और मैं समझता हूँ चारों ओर त्राहिमान त्राहिमान है। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिया है, उपखंड स्तर पर प्रदर्शन किया है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार की नींद नहीं उखड़ रही। राजस्थान सरकार केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए बाड़ों में बैठी है और जनता त्राहिमान त्राहिमान है। इन सारे विषयों को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी 7 जून को एक विशाल जन आक्रोश रैली करने जा रही है। ये जन आक्रोश रैली में हजारों लोगों इस कलेक्ट्रेट के बाहर उमड़ेंगे, जो इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देकर कर इन आम जनता की समस्याओं के निदान की हम मांग करेंगे। केंद्र सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 8 साल पूरे हुए हैं, उस संदर्भ में अजमेर देहात जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय देव सिंह जी भोतरा साहब और हमारे विधायक पुष्कर से सुरेश सिंह जी रावत साहब, हमारे महामंत्री जीतमल जी और हमारे मीडिया के प्रभारी शक्ति सिंह जी और हमारे प्रदेश की मंत्री वंदना जी और महिला मोर्चे की महामंत्री सरिता जी, सभी हम आए हैं। हमारा यही कहना है, और आप तो आपको जानकारी है, जो 8 साल है मोदी जी के कार्यकाल के, वो बड़े बेमिसाल है। बेमिसाल किस रूप में? गरीब को गणेश मानकर उन्होंने सारी केंद्रित जो जन कल्याणकारी योजनाएं करी है वो आपके सामने है। गरीब को, गरीब का उत्थान कैसे हो? जब तक अंतिम व्यक्ति का अवधय नहीं होगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उन्होंने 8 साल में जो अथक एक दिन का अवकाश लिए बगैर उन्होंने जो 8 साल एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में उन्होंने कार्य किया है, बेमिसाल है। और चाहे कितनी भी योजना हो, चाहे शौचालय की स्वच्छता की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन खाते की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, जितने भी योजनाएं हैं, एक नहीं 182 योजनाएं हैं जो गरीब को केंद्रित करके उन्होंने योजनाएं बनाई। उसका परिणाम निकला जो 22% 2014 के पहले हिंदुस्तान में 22% जनता ऐसी थी जो गरीबी रेखा से जीवन नीचे जीवन यापन करती थी। आज विश्व रिकॉर्ड बता रहा है, जो रिकॉर्ड विश्व जो आई है टीम और उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उसमें है कि अब 10% ही जनता ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, यानी 12% जनता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठी है। ये इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। 2000 धारा 370 हो, 35 हो, 3 तलाक का मामला हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनने का मामला हो, जितने भी ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो कभी सोच ही नहीं सकते थे। और मैं ये कह सकता हूँ आज कोरोना काल की बात, पूरी दुनिया मानव मात्र संकट में खड़ा हो गया था, ऐसी विषम परिस्थिति में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो इस कोरोना काल से सख्ती से इतना जो निपटा गया है और तरीके से, समय के ऊपर लॉकडाउन हुआ और चाहे मास्क सैनिटाइज भी नहीं था हमारे देश में, संसाधनों की कोई कमी नहीं थी,
138 करोड़ की जनसंख्या थी, उस विषम परिस्थिति में भी सारे, चाहे वैक्सीन हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे कुछ भी हो, इंजेक्शन हो, सारे व्यवस्था करी हो, 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देने की बात हो, हर तरह से कोरोना काल में, और 20 लाख हजार करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया, उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, लघु उद्योग हो, चाहे कर्मचारी हो, सबके लिए उन्होंने, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, सबके लिए जो उन्होंने योजना बनाई है, आज उसी का कारण है कि आज ये देश सुरक्षित है। और चाहे रूस यूक्रेन की बात हो, उनके युद्ध की बात हो, चाहे 25,000 से ज़्यादा उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, लघु उद्योग हो, चाहे कर्मचारी हो, सबके लिए उन्होंने, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, सबके लिए जो उन्होंने योजना बनाई है, आज उसी का कारण है कि आज ये देश सुरक्षित है। और चाहे रूस यूक्रेन की बात हो, उनके युद्ध की बात हो, चाहे 25,000 से ज़्यादा यूक्रेन में हमारे देश के छात्र और आम जन फंसे हैं, उनको सुरक्षित निकाल का मामला हो, आज रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तटस्थ रहकर, आज मैं कह रहा हूँ कि जितने भी खनिज तेल है उनकी आग लगी हुई है पूरे देश में, नहीं दुनिया के अंदर लगी हुई है। आज पड़ोसी देशों में हालात बड़ी खराब है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, परंतु आज हमारा देश हर तरह से सुरक्षित है और उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल है। गरीब को गणेश मानकर जो कार्य किया, उसके उपलक्ष्य में आज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे संगठन ने और सभी ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और मैं मानता हूँ कि जन जन के प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी है, दुनिया के सर्वमान्य नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके 8 साल पूरे होने पर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आपको यहाँ बुलाया। हम चाह रहे हैं आपके माध्यम से, आप चौथा स्तंभ हो, आपके माध्यम से जो बिगर एक दिन का अवकाश लिए जो 8 साल तक मोदी जी ने कार्य किया है, कर्मचारियों के साथ, ग्रामीणों के साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, इन सारे विषयों को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर सभी उपखंडों पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर कर ये चेतावनी दी थी। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के बैनर तले शुक्रवार को उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 7 जून को आयोजित होने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान भाजपा देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में अजमेर प्रदर्शन में शामिल होने के अपील की। भूतड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बताया कि पूर्व में अजमेर देहात के सभी उपखंड अधिकारियों को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन देकर बिजली पानी और किसानों के मुद्दे सहित स्थानीय मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। इसी कारण से स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए आगामी 7 जून को भाजपा देहात के हजारों कार्यकर्ता अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर जुटेंगे, जिसे जन आक्रोश रैली का नाम दिया गया है। ये बैठक राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण और विशेष रूप से इस भीषण गर्मी के अंदर, चाहे वो पेयजल की विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे चिकित्सा का विषय हो, और चाहे पशुधन के लिए चारा और पानी की बात हो, और मनरेगा के अंदर कर्मचारियों के साथ, ग्रामीणों के साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, इन सारे विषयों को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर सभी उपखंडों पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर कर ये चेतावनी दी थी कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जिला कलेक्टर के ऊपर जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। हमारे ज्ञापन देने के बाद भी किसी भी उपखंड पर इन समस्याओं पर प्रशासन या सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इन सारे विषयों को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी अजमेर के अंदर कलेक्टर पर 7 तारीख को जन आक्रोश रैली निकालने जा रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार के 3.5 साल का कालखंड पूरा हो गया है।
लेकिन इन 3.5 साल के कालखंड के अंदर आम जन के साथ केवल छलावा करने का प्रयास किया है। न तो वो अपने घोषणा पत्र खरी उतरी और न ही जो आम जन का अधिकार है बिजली पानी और सड़क और चिकित्सा और शिक्षा उस पर भी वो खरी नहीं उतरी। और यहाँ तक स्थिति यह है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात तो बहुत करती है, लेकिन आज की बात है कि कल की बात है, भरतपुर के अंदर छात्रावास से 100 बेटियों को केवल वहाँ भोजन नहीं है, उनकी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती है, उनको धक्के देकर के बाहर निकाला गया, जो मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक विषय। ऐसे अनेक विषय हैं जिनको लेकर कर हम राजस्थान सरकार के खिलाफ 7 तारीख को रैली करने जा रहे हैं, जन आक्रोश रैली, जिसके अंदर पूरे अजमेर जिले से हजारों की संख्या में लोग कलेक्टर के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। पंचशील स्थित देवनगर के क्षेत्रवासियों को इन दिनों भीषण गर्मी के साथ साथ पानी की समस्या के लिए त्राही त्राही करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पानी की सप्लाई कई घंटों के अंतराल में हो रही है, साथ ही पानी दूर से लाना पड़ता है और नलों में आने वाला पानी भी गंदा आ रहा है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। कई साल हो गए, 2000 से तो हम बसे हुए, इससे पहले से लाइन नहीं है, तो वही आश्वासन देते हैं कि हम लाइन डलवा देंगे, आपको रोड बनवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। एक तरफ भीषण गर्मी और पानी के लिए त्राही त्राही करती जनता को बड़ी मुश्किल से पानी नसीब हो रहा है, और वह पानी जब आता है उसके बाद में पीने लायक भी नहीं रहे तो आम जन पर क्या गुजरती है, इसका नजारा बाल्टी से भरे पानी को देखकर लगाया जा सकता है। दूर दूर से सिर पर बर्तन रखकर लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भरकर लेकर आते हैं। नलों के इंतजार में बैठे व्यक्ति जब पानी बर्तन में भरते हैं तो पानी इतना गंदा होता है कि उसे पीना तो दूर, उससे किसी अन्य काम में लेने का मन भी नहीं करता, क्योंकि पानी दुर्गंध युक्त भी होता है। ऐसे में आमजन इतनी बड़ी परेशानी को झेल रही है, जनता जाए तो जाए कहाँ। नगरवासी है यहाँ पे सामने पंचिल ब्लॉक के सामने, पीएमसी मार्ग के सामने देवनगर, उसमें कई साल हो गए, 2000 से हम बसे हुए हैं, 2000 पहले से ही बसे हुए हैं, हमारे बच्चों की शादी होगी, पोता पोती होगी, सारा कुछ हो गया, आज तक पानी की लाइन नहीं है। यहाँ 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद पानी का कोई पता नहीं कब आता है, और टाइम टेबल भी नहीं है, 5 दिन बाद देते हैं तो टाइम टेबल भी नहीं है। यहाँ बच्चे ऐसे टूट पड़ते हैं रोड पे, चलता रोड पे कि कभी कुछ हो जाता है, रास्ते होने की परेशानी होती है सारी। और मकान हमारा बने हुए, अभी नियमन करेंगे, वो हमारी सरकार आ गई, हम करेंगे, वो सरकार आती है तो बोले हम करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कई साल हो गए, 2000 से तो हम बसे हुए, इससे पहले से लाइन नहीं है, तो वही आश्वासन देते हैं कि हम लाइन डलवा देंगे, आपको रोड बनवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वासुदेव जी है, अभी लोनानी है, इधर से आए थे, अभी आप पे आए, कई दफे आए हैं इधर, ये आश्वासन ही मिलता है कि हम कर देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, आज तक कोई हमारे उसके पार होके बच्चे आते हैं उधर, छोटे बड़े देखो ना आपके सामने हैं बच्चे, छोटे छोटे पानी भर रहे हैं, 5 दिन बाद है। देवनगर है, के अंदर आता है, पर्थन नगर योजना का हिस्सा है देवनगर, 25-30 साल हो गए, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पाइपलाइन कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, गरीब आदमी पानी के लिए, अब ये पानी भी टाइम पे नहीं आता है, 4-4 दिन 5-5 दिन गंदा पानी आता है, टाइमिंग नहीं है, सुबह आना है, शाम को आना, दोपहर को आना है, बिल्कुल काम की छुट्टी है, साहब देखो आपके सामने है। हम तो बोल रखा है, विधायक वासु देवनानी जी है, कुछ चीज़ का समाधान नहीं हो रहा है, जितने यहाँ करेंगे हो जाएगा, और कुछ नहीं कुछ समस्या आती है, एक एक बर्तन भी ले लेंगे, भरते भरते इधर प्लास्टिक में भर रहा है, टंकी वाले पंचल वाले वो वैशाली वाले टंकी वाले भरने नहीं देते हैं। अभी देख लो आप इसकी धूप के अंदर, देख लो पानी के, अभी छोटे छोटे बच्चे देखो, अभी टाइम 1-1.5 बजे धूप में देखो, ये पानी अब आया, इसका भी कोई टाइमिंग नहीं, सुबह 5 बजे से बैठे हैं आप, 5 बजे से 1 बजे पानी आया, 5 दिन नेताजी आता पर चुनाव में आता, पर पानी हमेशा बहुत परेशान है, बहुत लेट चल जाता है परेशान, मैं दुख पा रही हूँ, पाइप लाइन नहीं, 20 साल का मैं बहुत मेहनत देखनी पड़ रही है पानी के लिए, बच्चे पीछे रहता हूँ, आगे क्या करूँ, कहाँ रहता है देवनगर में, देखा देखा तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, परेशान हो रहा 20 साल से, हमेशा ही आता है नेताजी, बोर्ड ले चल जा, पानी की कोई समस्या है, रूम भरनी पड़ता है, क्या कर बच्चे ने, तो पानी पड़ेगा ना, क्या कर, 4 दिन में एक बार आ रही है, पाई भी नहीं है, नेताजी बोला सब कर देंगे, नहीं करते, क्या हो गया, 5 साल आता है नेता लोग, आते हैं पानी के लिए, हर चीज बोलते हैं, लाइट खंबा तो नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, सब नहीं है,
और पानी हाँ सब सुविधा देंगे, पानी भी आ जाएगा, रोड बन जाएगा, नाली बन जाएगी, आपका मकानों का निर्माण हो जाएगा, आने वाले तो मार्केट होगा, नहीं होगा देखो सब कुछ। अच्छा मैं यहाँ रहता हूँ देवनगर तहसील में। हाँ शुरू से ही मतलब हम काम वाम कर नहीं पाते हैं पानी के चक्कर में, तीन तीन दिन चार चार दिन के गेप में यहाँ पे पानी भरना पड़ता है, यहाँ पे आना पड़ता है कि भाई अब आया नल तो हम पानी भरेंगे। और शुरू से समस्या 2002 के आसपास से। अच्छा एक लाइन यहाँ पे नहीं लगती है, तब कभी फोन आता है तो वोट के टाइम सब आते हैं चक्कर लगाते हैं और फिर अपना अपना जो हो जाता है आए थे चुनाव के टाइम सभी आते हैं। हाँ चुनाव के टाइम सभी आते हैं चक्कर लगाते हैं कि भाई हाँ सब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन पानी की समस्या से हर कोई जूझ रहा है यहाँ पे। आज सर धोखा देने पंचिल की है तो थोड़ा बहुत यहाँ से जो हो पाता है वो मिलता है, घंटे भर का जो भी पानी आता है आपके काम मालूम नहीं है कि छुट्टी हो रही है, सबको पूर्ति नहीं हो पाती है। हाँ कुछ जैसे अलग अलग पार्टीज जो होती है वो अपने तरीके से कुछ सहूलियत देती है, जैसे कभी टैंकर का कुछ ऐसा होता है, लेकिन उसमें भी अभी सहूलियत नहीं मिल रही है, चार चार दिन पांच पांच दिन में एक टैंकर कभी आ जाता है तो ठीक है। लेकिन अजमेर के मसूदा थाने में तैनात दो सिपाहियों द्वारा जब्त कार को छोड़ने की एवज में 40,000 रुपए की रकम मांगी गई। इस पर ACB ने कार्यवाही करते हुए दोनों सिपाही को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों सिपाही 20,000 की रकम के साथ फरार हो गए। ACB ने बाकी की 20,000 की रकम बरामद कर ली है। अजमेर ACB ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मसूदा थाने में तैनात सिपाही महेंद्र और भंवर जांगीर को ट्रेस करने का प्रयास किया। सिपाही महेंद्र द्वारा परिवादी की जब्त कार को छोड़ने की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सिपाही द्वारा परिवादी से 20,000 रुपए लिए, लेकिन दोनों सिपाही को ACB कार्यवाही की भनक लग गई और वे मौके से कार छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल ACB फरार सिपाहियों की तलाश कर रही है। ACB ने बाकी के 20,000 की रिश्वत राशि बरामद कर ली है। मसूदा से राकेश जिंगर की रिपोर्ट। मसूदा थाने के कांस्टेबल महेंद्र चौधरी ने परिवादी से उसके परिवार की जांच में और उसकी जब्त गाड़ी छोड़ने के एवज में मदद करने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसका सत्यापन किया गया था। आज उसके लिए रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया, जिसमें महेंद्र और उसके साथी भंवरराम इन दोनों ने परिवादी से 40,000 रुपए से 20,000 रुपए दिए, 20,000 वापस दिए। इसी दौरान इनको भटक करने से 20,000 रुपए लेके भाग गए वो, जिनकी तलाश की लेकिन मिले नहीं। शेष रिश्वत राशि 20,000 रुपए हमने बरामद कर लिए। भंवरराम और महेंद्र के खिलाफ आगे कार्रवाई करनी है। रिश्वत राशि ये मसूदा कश्मीर में ही है। इनके पास सर एक कार थी, वो कार आपने वो कार एक्चुअली वो जब भागे हैं तो कार का एक्सीडेंट कर दिया हमने, किसी पेड़ से टकराई तो उस कार को वहीं छोड़ के भाग गए। भारतीय जैन मिलन संस्थान द्वारा जैन मुनि और संतों की सुरक्षा के लिए ADM सिटी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तिलक मुनि जो है वो सीरियसली घायल हो गए थे, तो हम ये चाहते हैं कि माननीय राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे जैन साधु साधुओं के बिहार में कहीं भी कोई तकलीफ ना आए। भारतीय जैन मिलन संस्था द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ADM सिटी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संस्था के सदस्यों ने बताया कि अभी जैन संतों और मुनियों का बिहार चातुर्मास का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे समय में एक थाने से दूसरे थाना क्षेत्र में उनकी सुरक्षा की जाए। संस्था के सदस्यों ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व दुर्घटना में जैन संतों की मृत्यु हो गई थी, साथ ही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जैन साध्वी और संतों को परेशान करने का मामला भी आया है, इसलिए जैन मुनि और संतों की सुरक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा गया। जैन साधु संतों की सुरक्षा के लिए आज हमने एक ज्ञापन माननीय भावना जी गर्ग जो ADM सिटी है उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजा है, जिसमें अभी जैन संप्रदाय के जितने भी साधु साधनियाँ हैं वो सब बिहार का समय चल रहा है उनका चतुर्मास की स्थापना के लिए, तो उनके बिहार में उनकी सुरक्षा के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड की है कि एक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थाने से दूसरे थाने तक उनकी पुलिस व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही एक दो तीन जैन साधुओं की एक्सीडेंट हो गया था जोधपुर पाली हाईवे पे, जिसमें चेतन तिलक महाराज और चारण तिलक महाराज जी का तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी और तिलक मुनि जो है वो सीरियसली घायल हो गए थे। तो हम ये चाहते हैं कि
माननीय राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे जैन साधु साधुओं के बिहार में कहीं भी कोई तकलीफ ना आए और असामाजिक तत्व भी आजकल कुछ जैन साधु साधुओं को परेशान करने लगे उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर दिया गया है। इस कार्यक्रम में श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय सुशील जी बाकलीवाल, अशोक जी गोधा, राजेंद्र जी पाटनी, नरेश जी जैन, प्रकाश जी जैन गंगवाल सर और सभी अन्य पदाधिकारी उपस्थित। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के रामनेर डानी के ग्रामवासियों ने पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में गांव की युवती के अपहरण के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अजमेर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। एक लड़की है, बालिक है, वो लगभग 15-20 दिन से घर से गायब है। घर वालों ने मुकदमा भी दर्ज करा रखा है, नामजद मुकदमा दर्ज करा रखा है, लेकिन 20 दिन से सुनवाई नहीं हो रही। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के रामनेर डानी के ग्रामीणों ने पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में आईजी रुपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामवासियों ने गांव की ही युवती को कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर भगाकर ले जाने और शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामवासियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा इस मामले में कोताही बरती जा रही है, इसलिए उनके द्वारा आईजी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई गई है। ये मेरे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का ढाणी गांव का मामला है और वहाँ की एक लड़की है, बालिक है, वो लगभग 15-20 दिन से घर से गायब है। घर वालों ने मुकदमा भी दर्ज करा रखा है, नामजद मुकदमा दर्ज करा रखा है, लेकिन 20 दिन से सुनवाई नहीं हो रही। ये घर वालों के साथ गाँव वाले पूरे थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक इन्होंने कई चक्कर काटे। आज मजबूर इनको आईजी ऑफिस और ये आईजी ऑफिस आईजी साहब से लगा दूसरी बार मिल रहे हैं। इन्होंने मेरे को भी सूचना दी तो मैं भी आया और आईजी से हमने कहा है कि भाई जल्दी इसको बरामद कर। गांव की एक लड़की थी, उसको कोई अपहरण करके ले गया तो पुलिस जांच कर रही है, जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन जाँच में पुलिस कोताही बरत रही है, इसलिए मैं आईजी साहब से गुहार लगाना है कि भाई निष्पक्ष जांच करें। देखो वो तो जांच में पता लगेगा क्या है, एक बार स्थिति स्पष्ट जब जांच हो जाएगी तब हो जाएगा। गांधीनगर थाना का कोई नामजद एफआईआर 16 तारीख की किसी रामने ढाणी की युवती को बहला पुस्कार लगाकर जबरदस्ती शादी के लिए घर से उठाकर ले गए रात के 11 बजे, तो अपने 16 तारीख को नामजद एफआईआर करवा दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले कोताही बरत रहे इसमें। तो हम कुछ समय बाद सीओसीटी से मिले हैं किशनगढ़, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम एसपी साहब से मिले, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद हम आईजी साहब से मिले हैं तो इन्होंने भी आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने थाने वालों ने जांच अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद हमारी आज दूसरी मुलाकात है आईजी साहब से, पुनः मुलाकात की है तो इन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई के लिए मैं निर्देश दे रहा हूँ। मुकदमा दर्ज करवाया था, युवती का था, बहला फुसलाकर घर से रात के 11 बजे ले जाने का था। नाम दर्ज मुकदमा है, दो लड़के तो हमारे गाँव के थे, एक अन्य गाँव का था, तो उन्होंने सहायता की उसकी पूरी बगाने वगैरह में। अब नामजद एफआईआर है, न तो 161 के बयान हुए, न 164 के हुए। अगर युवती बयान दे दे किसके पक्ष में जाना चाहती है तो परिवादी संतुष्ट होकर घर पे बैठ जाए, न कि अन्य कार्रवाई करे। हुए अब कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है तो घर वाले भी सोच रहे हैं कि किस स्थिति में है, कहाँ है, क्या है, कौन कह सकता है उसकी। और प्रशासन पुलिस वाले बोल रहे हैं कि उसने शादी कर ली, वो कर ली, तो उसका प्रमाण क्या है शादी कर ली तो कुछ तो प्रूफ दे, न तो 161 के बयान हुए, न 64 के हुए। तो घर वाले पार्टनरशिप के नाम पर प्लॉट की खरीदारी के मामले में अपने ही पार्टनर के साथ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला अलवर गेट थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोई प्लॉट है, उस प्लॉट में अपन पार्टनरशिप करते हैं, 20 लाख का कुल प्लॉट है और आधा पैसा तुम दे दो आधा हम दे देते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। इस पार्टनरशिप के नाम पर उसे 5 लाख रुपये लेकर स्वयं के नाम पर उन्होंने अपनी वो इकरारनामा संयुक्त रूप से कराना था, लेकिन स्वयं नाकाबदार क्षेत्र में रहने वाले सुभाष जैन ने इस्तगाशा के जरिए अलवर गेट थाने में 5 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी के साथ राजेश कुमार नामक व्यक्ति ने पार्टनरशिप का नाम लेकर प्लॉट के कागजात स्वयं के नाम पर करा लिए। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सुभाष जैन सनम बंसीलाल जैन ने जरिए इस्तगाशा, जो कि नाकाबदार के रहने वाले हैं, जरिए इस्तगाशा राजेश कुमार के खिलाफ करवाया है। इन्होंने कहा है कि भाई कोई प्लॉट है, उस प्लॉट में अपन पार्टनरशिप करते हैं, 20 लाख का कुल प्लॉट है और आधा पैसा तुम दे दो आधा हम दे देते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। इस पार्टनरशिप के नाम पर उसे 5 लाख रुपए लेकर स्वयं के नाम पर उन्होंने अपनी वो इकरारनामा संयुक्त रूप से कराना था, लेकिन स्वयं के नाम पर करवा लिया। इस तरह से 5 लाख की धोखाधड़ी की है। इसका लेन देन इसने किया है, सुभाष ने 5 लाख रुपए बता रहे हैं।
हाँ परिवार में 5 लाख रुपए दर्शाए हैं कोई प्लॉट को लेकर, हाँ धोखाधड़ी की है तो उसकी जांच कर रहे हैं अभी, पूरा कंफर्म नहीं है क्या मामला है, एक बार जांच करने के बाद ही पता चलेगा। डीएनसी मामले को लेकर होली फैमिली हॉस्पिटल के मरीज के परिजनों और चिकित्सकों में कुछ दिनों पूर्व विवाद हो गया था। इस संबंध में चिकित्सकों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंप कर मरीज के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। होली फैमिली हॉस्पिटल में 31 मई की शाम को या रात को 9 बजे के करीब कुछ इसमें डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें कुछ आपसी एक दूसरे के ऊपर दो परिवाद दर्ज हुए हैं। 3 दिन पूर्व होली फैमिली हॉस्पिटल में एडीएमसी मामले को लेकर मरीज के परिजनों और चिकित्सकों में विवाद उत्पन्न हो गया। इस मौके पर परिजनों ने अस्पताल में आक्रोश दिखाते हुए हंगामा कर दिया, साथ ही चिकित्सकों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं चिकित्सकों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल में हंगामा करने वाले मरीज के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ कार्रवाई की मांग की। होली फैमिली हॉस्पिटल में 31 मई की शाम को या रात को 9 बजे के करीब कुछ इसमें डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें कुछ आपसी एक दूसरे के ऊपर दो परिवाद दर्ज हुए हैं, कुछ पेशेंट की तरफ से और एक डॉक्टर की तरफ से। तो उनकी दोनों की जांच रत है, अभी पुलिस से बातचीत हो रही है, उसमें जांच चल रही है, जांच का विचाराधीन है, जो भी SOP है उसके हिसाब से जांच हो रही है। अब डॉक्टर्स का ही कहना है कि इनके खिलाफ़ FIR अभी दर्ज, इनकी जो परिवार थे उस पर FIR दर्ज नहीं हुई है, तो वो अभी हम जांच करके और उसमें पता करते हैं कि इसमें FIR की क्या स्थिति है, वो दर्ज हुई है नहीं हुई है, यदि नहीं हुई है तो किन कारणों से नहीं हुई है, और यदि होनी चाहिए तो उसको हम तुरंत प्रभाव से करवाएंगे दोनों ही। जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में समीक्षा बैठक ली। बैठक में अन्य समस्याओं के साथ साथ जिले में पानी की समस्या पर भी विचार विमर्श किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज अजमेर प्रवास पर रहे। इस दौरान मालवीय ने रीट कार्यालय के सभागार में विकास कार्यों और 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक ली। मालवीय ने अजमेर जिले में पानी की समस्या पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और राजस्थान सरकार द्वारा कैनाल योजना की घोषणा की गई है, इसके अंतर्गत अधिक से अधिक पाइपलाइनें बिछाकर पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, नगरवासी को भी जानकारी है कि ये पूरा पानी का सोर्स हमारा बिसलपुर है, जहाँ से पानी आ रहा है। और इसके अलावा अगर पानी की प्रॉब्लम है तो राज्य सरकार ने माननीय कलेक्टर साहब को अलग से बजट का प्रावधान किया हुआ है, टैंकरों से पानी पहुँचाओ, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, और हमारी कोशिश होगी कि समय पर सबको पानी मिले। सबसे बड़ी बात ये है कि आबादी बढ़ गई और पानी की कमी काफ़ी है, आपने खुद ने माना है, यहाँ पर आप मीटिंग में थे, अधिकारी से संवाद हुआ आपका, तो सबसे बड़ी बात है उसके लिए क्या कोई नया प्रस्ताव, नई पाइपलाइन डालना या कुछ ऐसा कुछ होने? देखो साथियों, ऐसा है कि इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की घोषणा की है, और मेरे विभाग की बात है करीबन 39,000 करोड़ की ये योजना है, और हम जल्दी से जल्दी इस योजना को कार्य रूप में लाना चाहते हैं, ताकि करीबन राजस्थान के 13 जिले ऐसे हैं जो पानी से बहुत त्रस्त हैं, उन जिलों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, और ये काम हम बहुत जल्दी करने वाले हैं ताकि एक समस्या हमेशा दूर हो जाए। लाइन भी लगानी पड़े तो लगाएंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ जब इतना बड़ा 39,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो वो अजमेर को भी देंगे, ब्यावर को भी देंगे, जयपुर को भी देंगे, दौसा को भी देंगे, अलवर को भी देंगे, भरतपुर को देंगे, सवाई माधोपुर को देंगे, कई जिलों को इसका फ़ायदा होने वाला है। सरकार और प्रशासन और हम सभी एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं, और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बजट घोषणा की है, उन बजट घोषणाओं को ठीक ढंग से हम धरातल पर अगर लेके आते हैं तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इससे बढ़िया कोई राज्य देश में नहीं हो सकता है। आप भी इस बात को स्वीकार करोगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख तक दवाई को फ्री कर दिया, जांचें सब फ्री कर दी, बिजली के अंदर भी 50 यूनिट तक माफ़ कर दिया, कोई कम बात नहीं है ये। तो अधिकारी काम कर रहे हैं, अजमेर राजधानी के नज़दीक है, इसका उसको फ़ायदा भी मिल रहा है, अधिकारियों से 1-to-1 बात हुई है, कई विभाग ऐसे हैं जो राजस्थान के अव्वल स्थान पे अजमेर। देखो ऐसा है कि ये विभाग ऐसे हैं या स्थान ऐसा है जहाँ पे कोई कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है, कि जल्दी से जल्दी कमेटी बनाए और कमेटी बना के पट्टू की समस्या है वो दोनों विभाग
को साथ में बैठ के इसका निराकरण कराएं। लंबे समय से मांगे उस मांग को पूरा करेंगे। ये हमारा पार्टी का डिसीजन है। राज्यसभा के 3 में से 3 सीट हम जीतेंगे। देखो साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो हमारे पार्टी के आदेश जारी होगा उस आदेश के साथ हम खड़े हैं। और मैंने कह दिया कि 3 में से 3 आदमी जीतेंगे। हमारे पास में पूरी संख्या है और हम निश्चित होकर बैठे हुए हैं। इससे मैंने ये निवेदन किया है कि अजमेर उत्तर में विधानसभा क्षेत्र में जो जिन लोगों के नाम कटे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी के अंदर है कि न्याय संगत रूप से कटे, जिन लोगों की जिनकी डेथ हुई है, जो लोग दूसरे वार्डों में थे, जिसमें कई लोग जैसे अजय नगर के थे, उनके नाम यहाँ लिखे हुए थे, जो लोग दूसरी जगह के लिखे हुए थे, उन लोगों के नाम काटे हैं। तो हम लोगों ने मंत्री जी से ये निवेदन किया, निष्पक्ष रूप से उसकी जाँच कराई जाए और निष्पक्ष रूप से जिन लोगों के डबल नाम हैं, जो जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, जो लोग दूसरे विधानसभा में रहते हैं जिनका नाम यहाँ ऐड किया हुआ था, उन लोगों के नाम काटे जाए, न कि बीएलओ का दबाव में लिया जाए। क्योंकि वासुदेव देवनानी जी की आज तक की नीति प्रथा रही है कि वह अधिकारी कर्मचारी को प्रभाव में लेकर अपने काम को करवाने का उनकी जो नीति रही है उसके अंदर से करके निष्पक्ष रूप से लोगों का मतदाताओं का नाम लिखा जाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहे स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।